एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं भाई साहब 5 साल से ज्ञान में हूँ, मेरी पत्नी ज्ञान में नहीं है। मैं सुबह निकलता हूँ मुरली सुनने के लिए, वो कहते हैं मेरे साथ घूमने चलो, मैं चलता नहीं हूँ। जैसे ही मैं मुरली सुन के आता हूँ तो नाराज होती है, कहती है ब्रह्मा कुमारी ने तो हद कर दिया, मेरे साथ घूमना भी बंद कर दिया है। तो मुझे दीदियों के लिए कुछ कहते हैं तो गुस्सा भी आ जाता है, तो मैं क्या करूँ? माता जी बताओ, भाई भाई जी का प्रश्न है। भाई जी बताओ, शादी जीतने के माता जी के ज्ञान में नहीं चलते, क्या करते हो? इसलिए याद रखना, एक एक्चुअली शब्द शाम को, आज शाम को सुनाऊंगा, इसके ऊपर बचा है, कल भी है ना, कल भी टॉपिक है। संसार में तो ज्ञान में कैसे चला, पति को, बच्चों को, घर में सास बहू है, ज्ञान में नहीं चलता है, कैसे चलाना चाहिए, उसकी विधि है वो, फिर हम सोचा था कल सुनाएंगे। अभी भाई जी ने आज ये प्रश्न पूछा, थोड़ा सा बताता हूँ, फिर शाम को और कल सवेरे विस्तार से सुनाऊं कैसे परिवार वालों को ज्ञान सुनाना चाहिए। तो सहज तरीका है, पति को कभी नहीं कहना चाहिए और बच्चों को, युगल को ज्ञान में चलो, ये याद रखना। आप ज्ञान सुनते हो, आप रोज सुनो चुपचाप ना, नौकरी करते हो माता जी को कहते हो नौकरी में चलो, नहीं, आपको चीनी शुगर है, आप चीनी फीकी चाय पीते हो, घर में सबको फीकी चाय पीना चाहिए, है ना, आपको बीमारी है, आप कहेंगे आपको ज्ञान सुनना है, आप सुनो। हाँ माता जी, अगर आपको कुछ बनाते हैं, माता जी एक दिन बताना कि आप लोग खाओ, आपको अगर प्याज की सब्जी बनाया तो आप सिर्फ चावल दही या रोटी अचार लेके खाना, अरे आज खाया नहीं, नहीं मुझे प्याज, डॉक्टर ने कहा प्याज नहीं खाना चाहिए, तो मुझे नहीं, ठीक है मेरे लिए अलग बनाओ, ऑर्डर नहीं करना, आप बनाओ आप खाओ, मुझे जो मिला मैं त्याग करके दिखा, रहे ये खाते नहीं है, कल अपने आप बनाएंगे बिना प्याज के सब्जी। तो आप ज्ञान में चलो, किसी को कुछ नहीं सुनाना, और आपका आचरण देखते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, पहले बहुत बोलते थे, पहले बहुत ऐसे करते थे, अभी कुछ नहीं, शांत हो गया, अभी देवता बन गया, अपने आप कहेंगे कहाँ जाते हो क्या करते हो, आपके पीछे पीछे आएंगे, है ना। अगर आप कहते मेरे लिए अलग खाना बनाओ, प्याज नहीं खाना चाहिए, किसी को ऑर्डर नहीं चलाओ, आपको चलना है, आपको बीमारी है, आप सभी को बिना चीनी शुगर के चीनी चाय पीना चाहिए, आपको बीमारी है तो नहीं, आप पी लो, किसी के ऊपर फोर्स नहीं। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, बाय विल, ये स्व इच्छा से चलने का रास्ता है। आपको अच्छा लगा आप सुनो, किसी का आपकी चलन देख करके और अपने आप चलेंगे। हाँ पिताजी बहुत बोलता था, अभी बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलता, चुप रहता है, जो भी खाना बनाया चुपचाप खा के जाता है, कुछ बोलता नहीं है, पहले कहता है ये ऐसा नहीं किया ऐसा करता है, ज्ञान आचरण में ला के दिखा, उसको कहते हैं टीच अदर्स बाय योर बिहेवियर नॉट बाय वर्ड्स। मुख से बोल के परिवार को ज्ञान नहीं सुना, आपके चलन से सिखाओ, समझ में आया, चलन से सिखाओ। आप अगर त्याग कर जाओ, आपके अंदर ज्ञान गया,